हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTT एंड TTS प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2013 को आयोजित हुआ था। इसमें 40 नंबर के करेंट अफेयर्स भी आते हैं, तो यह पार्ट करेंट अफेयर्स का ही है। पिछले वीडियो में मैं हिंदी के प्रश्नों को हल की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसको भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने 1 सितंबर 2013 को अपनी डेस्पी वर्षगांठ मनाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की राष्ट्रीय शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल की शिक्षा ECE नीति डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को इष्टतम विकास को बढ़ावा देने और सीखने की क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन ऊपर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इन्फिनिटी टावर डैश में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दुबई। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में महाकुंभ मेला डैश में आयोजित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने 15 जुलाई 2013 को कौन सी 163 वर्ष पुरानी अपनी सेवा बंद कर दी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टेलीग्राम। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रसिद्ध भारतीय शूटिंग और फैब्रिक्स समूह ने 2013 में कराची पाकिस्तान में अपनी पहली दुकान खोली है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेमंड। 38 नंबर क्वेश्चन है, 8वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2013 में डैश में संपन्न हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेंट पीटर्सबर्ग। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक मलेशिया एयरलाइंस कंपनी डैश के साथ साझेदारी में भारत ने में एयर एशिया नामक संयुक्त उद्यम के साथ के माध्यम से हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाटा संस। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 11 नवंबर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 नवंबर को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर 2008 से मनाया जाता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में अंतिम जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, TRCU APART नामक एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नियंत्रण अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में हाल ही में खोली गई लद्दाख स्थित विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी डैश पर अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन वायुयान उतारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दौलत बेग ओल्डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए 2012 का पहला वार्षिक टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर को। 45 नंबर क्वेश्चन है, 2013 में शांति और सद्भावना के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिगालिया बैम। यह जो थी दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचन संख्या के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है,
2013 में किसे भारत में आईटी कंपनी इंफोसिस का कार्यकारी अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए नारायण मूर्ति। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पी सदाशिवम। 48 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 2013 को डैश सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसका आंसर है ऑप्शन बी जल। 49 नंबर क्वेश्चन है, एनडीएमए का पूरा नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 50 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय घटना सुपर मून भारत में वर्ष 2013 में किस दिन देखी गई? इसका आंसर है ऑप्शन डी 23 जून। मोबाइल फोन में प्रयुक्त लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के महानिदेशक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी इरीना बोकोवा। 53 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामवरण यादव। 54 नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर फर्राटा दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए जमैका। 55 नंबर क्वेश्चन है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ने अपना 24वां विशेष संस्करण भारतीय डैश के 100 वर्ष पूरे होने पर निकाला? इसका आंसर है ऑप्शन ए सिनेमा। 56 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई और भारत सरकार ने परीक्षण आधार पर डैश मूल्य के प्लास्टिक नोट भारत के 5 शहरों में उतारने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 10। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा भारत सरकार ने 5 शहरों कोच्चि मैसूर जयपुर भुवनेश्वर तथा शिमला में 10 के पॉलीमर प्लास्टिक नोट परीक्षण के तौर पर चलाने का निर्णय लिया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय मोबाइल निर्माता अपनी नोकी कंपनी नोकिया किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? इसका आंसर है ऑप्शन सी असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना कछार लेवी नाम से 1835 में हुई थी, जिसका 1917 में नाम असम राइफल्स हो गया। BSF 1965 में, ITBP 1962 में और CRPF 1939 में गठित की गई। 59 नंबर क्वेश्चन है, भूटान में 2013 में संपन्न दूसरे राष्ट्रीय आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल की? इसका आंसर है ऑप्शन बी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। 60 नंबर क्वेश्चन है, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2013 का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए सरेना विलियम्स। 61 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुणे। 62 नंबर क्वेश्चन है, 2013 में संपन्न 85वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी आर्गो। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी जेपी कुरियन। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2013 में किसे कर प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पार्थ सारथी सोम। 65 नंबर क्वेश्चन है, डैश सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लघु कर्ज क्रेडिट संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधीन लाने का फैसला लिया।
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। 66 नंबर है, भारत सरकार ने डैश के युवाओं के लिए सीखो और कमाओ नामक एक नई कौशल विकास योजना शुरू की है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत और डैश ने वर्ष 2014 में मित्रता पूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को 2013 में निशानेबाज के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी राठौर। 69 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल डैश शहर में आयोजित किए जाएंगे, इसका आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो। यहाँ पे आप देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राथमिक शिक्षक 13 लिखा हुआ है। तो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने ही थे, आगे के वीडियोज में जो इसके बचे हुए भाग है उसको मैं हल करूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।